पंजाब दे विच कोरोना का कहर जारी, मौतों के चिंताजनक आंकड़े। बीते 24 घंटे 100 कोरोना मरीजों की गई जान। एक दिन 5,932 नवे पॉजिटिव केस आए सामने। लुधियाना 1,136, मोहाली 828 ते अमृतसर 431 नवे मामले दर्ज। कोरोना के 760 मरीजों की हालत गंभीर, 83 मरीज वेंटीलेटर से। सूबे कोरोना एक्टिव मरीजों की गिनती 51,936, कोरोना 3,774 मरीजों ने दी मात। कोरोना तो बचने लिए सूबे में डीसी वालों की गई सख्ती, शाम 5 बजे तो ही दुकाना करवाई गई बंद। वीकेंड लॉकडाउन शनिवार सवेरे 5 बजे तो लेके सोमवार सवेरे 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। डीसी ने सरकार की हदायतों की पालना करने दिते हुक्म। बठिंडा सिविल अस्पताल में ऑक्सीजन संबंधी वड्डी खबर, ऑक्सीजन की कमी को लेकर सिविल सर्जन का बयान, अस्पताल को आज तक दी ही बची ऑक्सीजन। आने वाले दिनों में ऑक्सीजन की हो सकती है भारी कमी, सारे कुल स्थानक प्रोडक्शन वो सिर्फ 4 मैट्रिक टन। ऑक्सीजन कोटा खत्म होने के सवाल से सिविल सर्जन ने नहीं दिता जवाब। कोरोना संकट नाल निजठण लई लुधियाणा के वर्धमान ग्रुप का वड्डा उपराला, सूबे च ऑक्सीजन की किल्लत नूं दूर करने लई सिलेंडर रीफिलिंग की वधाई समर्था। एक हजार सिलेंडर की रीफिलिंग वधा के 1500 किया, अपने कम कट करके सिलेंडर की रीफिलिंग से दिता जोर। डिप्टी कमिश्नर नवे ऑक्सीजन प्लांट का किया उद्घाटन। बरनाला जिले के कई पिंड कोरोना टीकाकरण लई आए अगे, टीकाकरण कैंप में 300 तो बाद लोगों ने लगवाई वैक्सीन। सरपंच वालों लोगों नूं घर घर जाके किया गया जागरूक, सरपंच का कहना महामारी तो बचने लोगों नूं खुद जिम्मेवार बनने की लोड़। एसएसपी बरनाला ने सरपंचों के फैसले का किया स्वागत, लोगों नूं वैक्सीनेशन कराने की की अपील। कोरोना काल विचाले मध्य प्रदेश के रतलाम च अनोखा विआह वेखण नूं मिलिया, लाड़ा लाड़ी वालों पीपीई किट पा के लईयां गईयां लावां। अप्रैल लाड़े नूं होया सी कोरोना, ब्याह कराने लई पुणे तो रतलाम आया सी, जिस तों बाद एकांतवास विच ही। कुड़ी दे घरदिआं ने प्रशासन तय समय ब्याह कराने की कीती सी अपील। प्रशासन अते पुलिस मुलाजमां दी मौजूदगी पीपी किट पा के ब्याह होया संपन्न, तहसीलदार भी इस मौके हाजिर रहे, परिवारिक मैंबर ने प्रशासन दे साथ देण लई कीता धन्नवाद। पंजाब मंत्रीमंडल दी अज अहम बैठक शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राहीं मुख्यमंत्रियां दे मंत्रियों के होने मुखातिब। कोरोना महामारी थां बैठक का मुख्य एजेंडा, सूबे कणक के खरीद प्रबंधा की समीख्या। सूत्रों का मानना बैठक में आशीर्वाद स्कीम की राशि के वादे से भी लग सकती है मोहर, आशीर्वाद स्कीम की राशि 21 तो वधा के की जा सकती है 51,000। दस दी कि अपने चोण मनोरथ पत्र में कांग्रेस ने लोगों ने किया वायदा, सूबा सरकार ने अपने 4 साल के कार्यकाल दौरान इस मुद्दे से वट्टी रखी चुप। मोगा पुलिस के हाथ लगी कामयाबी, गुरलाल सिंह बराड़ का कत्ल करने वाले बंबीहा ग्रुप के शूटर बेअंत सिंह उसके साथी सुनील समेत किया गिरफ्तार। पुलिस ने 5 पिस्तौल और भारी मात्रा में नशीला पाउडर भी किया बरामद। चोरां तो लुटेरियां वालों लुट खोह दीआं वारदातां नूं दित्ता जा रहा अंजाम, निजी फाइनैंस कंपनी के 2 कर्मचारियों तो लुटेरे रिवायती हथियारों की नोक से 2,43,000 की राशि लेके हुए फरार। घटना सीसीटीवी हुई कैद, मौके से पुलिस ने लिया जायजा, मामला दर्ज कर कार्रवाई की शुरू। देश की कौमी राजधानी में कोरोना का कहर, बीते 24 घंटे 381 कोरोना मरीजों की हुई मौत, दिल्ली में कोरोना मरीजों की मौत का यह हुण तक का वड्डा आंकड़ा। एक दिन के अंदर 24,149 नवे मामले आए सामने, दिल्ली में हुण तक 15,009 मरीजों की कोरोना करके हो चुकी है मौत। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे कोरोना करके 895 लोगों ने तोड़ा दम, एक दिन में 68,358 मामले आए सामने। केंद्र सरकार ने कोरोना टीकाकरण लिए कसी कमर, कोरोना वैक्सीन लिए अज तो शुरू होगी रजिस्ट्रेशन, 1 मई तो 18 वर्षों तो बाद उम्र के लोगों को लगेगी वैक्सीन।
सरकार वालों सारिया तैयारियां मुकम्मल होने का दावा कर बैठे लोग कोविन पोर्टल covin.gov.in आरोग्य सेतु ऐप से कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन। 18 वर्ष बाद उम्र के लोगों को बिना रजिस्ट्रेशन नहीं लगेगी वैक्सीन। 45 साल तो बाद उम्र के लोगों को मिलेगी बिना रजिस्ट्रेशन के वैक्सीन लगवाने की सहूलत। वैक्सीन लई सरकार ने बनाया कोविन पोर्टल, टीकाकरण से जुड़ी मिलेगी हर जानकारी। जींद के सिविल सर्जन का शलाघायोग उपराला, कोरोना मरीज को चुके ले गया हस्पताल। कोरोना के कहर तो बचने लिए डॉक्टर ध्रुव ने डबल मास्क पाने की दी सलाह। असाम के महसूस किए गए भूचाल के झटके, भूचाल की तीव्रता 6.4 की गई दर्ज।